हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट कैसे चेक करते हैं। तो इंटर का रिज़ल्ट चेक करना हो या फिर टेंथ का रिज़ल्ट चेक करना हो, इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यूपी बोर्ड का मतलब कि किसी बोर्ड का जब रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुलता है, वो बहुत ही उसका सर्वर लो हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक ही बार उस वेबसाइट पर, इसीलिए वो वेबसाइट अच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो हमको आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे और वेबसाइट बताएंगे जिससे आप आसानी से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र में लिखना है dailyresult.in, एक वेबसाइट है। देखिए ऊपर में आपको आ गया dailyresult.in, आपको लिख देना है। आपको मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप शुरू से बता रहा हूँ। डेली रिजल्ट, या अगर आप डेली रिजल्ट भी सिर्फ लिखिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे ही आप, आपको मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए आप वहाँ पर डेली रिजल्ट आपको लिखना है। देखिए डेली रिजल्ट मैंने सिर्फ लिखा है, तो डेली रिजल्ट लिख करके आप सर्च करिए। ऊपर में आपको यहाँ पर आएगा, देखिए जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये है dailyresult.in। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा dailyresult.in का। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब जितने भी जॉब आते हैं यहाँ पर सारे चीज़ इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए नीचे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में लेटेस्ट जॉब, कोई भी नए जॉब के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बिहार कॉर्नर, बिहार के स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये हमको हम लोगों को देखना है, ये रिजल्ट वाला सेक्शन पर हम लोग को यहाँ पर नज़र डालना है। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ बिहार बोर्ड BSEB क्लास 10th और 12th रिजल्ट। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था 10th और 12th दोनों का, तो इस वेबसाइट पर देखिए यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपको इस रिजल्ट वाले सेक्शन में आना है, जो dailyresult.in वेबसाइट है उसको खोल कर रिजल्ट वाले यहाँ पर सेक्शन में देखना है आपको। और ऊपर में ही आपको जैसे यहाँ पर बिहार बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको यूपी बोर्ड, अगर 10th का रिजल्ट आता है तो 10th का, 12th का रिजल्ट आएगा तो 12th यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको एक डेमो की तरह, बिहार बोर्ड वाला डेमो की तरह इसको दिखाते हैं। तो जैसे ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट के नीचे यहाँ पर मिल जाएगा यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट। तो आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको एक डेमो की तरह बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन 10th रिजल्ट, यहाँ पर server 1 server 2 यहाँ पर सब दिया है, लिंक है ये सब। आप किसी पर भी के वहाँ पर जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट चेक करना होते हैं, इंटरमीडिएट का बिल्कुल ऐसे ही बनाया रहेगा, बस आपको वहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको देखना है। और यहाँ पर ये सब लिंक दिया है। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करिएगा, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब दिया है, बिहार कॉर्नर दिया है, यहाँ पर रिजल्ट दिया है। तो रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको नीचे में यहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट, यहाँ जो बिहार बोर्ड अभी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 12th क्लास, या फिर जो भी 10th 12th जो भी रिजल्ट आएगा तो आप वहाँ से देख क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो देखने में रिजल्ट, आप ज़रूर कमेंट करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, और चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ। रिजल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम तो आपकी मदद कर पाएँ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।